हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद जबीन। आज हम आपको जो रेसिपी दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छी है, और गर्मियों के हिसाब से अमरूद आ गया है मार्केट में, बहुत अवेलेबल है और मुझे तो बहुत पसंद है, और ख़ास कर पिंक वाले अमरूद। लेकिन हमारे इधर बहुत कम मिलते हैं इंग्लैंड में, लेकिन मैंने अब जो ख़रीदे हैं तो ये अमरूद मुझे मिले हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं और मैंने लिए इस दफ़ा। तो मैं आपको इसको जूस बनाने की, अमरूद का जूस बनाने की आपको रेसिपी बताती हूँ। और गर्मी है ये, इसमें ज़रूर बना के पिए, और ईद भी आ रही है, इसमें ज़रूर बना के आप ईद पे अपने फैमिली को पिलाएं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, मैं आपको बताती हूँ कैसे जूस बनाते हैं। मैंने 4 अमरूद लिए थे और मैंने ये काट लिए अच्छी तरह से इनको, और अब इसको डाल देंगे इसमें ग्राइंडर में। पीसने के लिए ये जूस बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी होता है, और गर्मियों के हिसाब से और सेहत के हिसाब से हेल्थी भी बहुत है। मैंने इन अमरूदों के बीज निकाल लिए थे, आप चाहें तो बीज रख भी सकते हैं और ग्राइंड कर लें, लेकिन फिर आपको ग्राइंड करके छानना पड़ेगा इसे। तो मैंने अभी बीज निकाल लिए हैं इसके, आप रखना चाहें तो रख लें, लेकिन उसके बाद इसे छान लें जूस जूस को, जो भी अमरूद का हो। अच्छा, ये मैंने अब डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ब्लैक सॉल्ट है। अगर आपके पास ब्लैक सॉल्ट ना हो तो आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और शुगर मैं डालूँगी, मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ, तो मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 3.5 टेबल स्पून के करीब मैंने डाल दी है इसमें शुगर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। और अब इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें और ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसमें आधा कप से ज़रा ज़्यादा पानी रखा है, वो मैंने डाला है इसमें, और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ थोड़े पुदीने के पत्ते, तकरीबन 2 टेबल स्पून हो गए मुट्ठी भर, तो ये मैंने इसमें डाल दिए। मैं अपने गार्डन से भी तोड़ के लाई हूँ और ये मैंने इसमें डाल दिया, और अब इसको फिर ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसको थोड़ा टेस्ट करके देखा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा काला नमक और डालना चाहिए, ब्लैक सॉल्ट। ये मैंने 1/2 टीस्पून और डाल दिया, और इसके साथ मैंने शुगर थोड़ी और डाली। आप अगर हनी यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं शुगर के बजाय। तो ये मैं शुगर इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाल दी मैंने, और हमने पहले 3.5 डाली थी, तो ये तकरीबन हो गई 5 टोटल। तो ये हमने डाली, अब इसको मैं फिर एक दफ़ा पीस लूँगी मशीन चला के, और फिर से निकालते हैं। मैंने इसमें 2 बड़े लेमन का जूस भी डाला है। अब मैंने इसमें 2 लेमन का जूस भी डाल दिया है। दो बड़े लेमन का जूस डाला है। अब ये देखें, हम इसमें जूस डाल देंगे इसमें जग में, क्योंकि मैंने पूरा जग बनाया इसलिए मुझे थोड़ा सॉल्ट और डालना पड़ा, और आप अपने जायके के हिसाब से रखिएगा। और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब मैंने इसमें तकरीबन
एक गिलास के करीब पानी और डाल दिया है क्योंकि बहुत थिक है ये शरबत। और अब इसमें थोड़ी सी क्यूब्स डाल देंगे, आइस क्यूब्स, बर्फ डालेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और गिलास में डाल के और आप इसे जरूर बना के बकरा ईद पे और गर्मियों में भी बना के पी सकते हैं। अपनी फैमिली को सबको बुलाएं और मुझे दुआ में याद रखें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माय चैनल कुक विद जबीन। अल्लाह हाफिज़।